दोस्तों, आज मैं मिलेट के बारे में चर्चा करूंगा। मिलेट, जिसे मोटा अनाज भी कहते हैं, ये बरसों सैकड़ों वर्ष पहले हमारे पूर्वज इसको खाया करते थे और स्वस्थ रहते थे। आज विडंबना है, यह मेरे थाली से दूर हो गया है। देखिए दोस्तों, ये मोटा अनाज, ये फॉक्सटेल मिलेट आपके सामने है। इस अनाज में को जो है हिंदी में कांगनी कहते हैं और टांगुन भी कहते हैं। इसमें कार्बोहाइड्रेट 60.60% है, फाइबर 8% है। दूसरा मिलेट है दोस्तों, लिटिल मिलेट, इसे कुटकी भी कहते हैं, सावा भी कहते हैं। 65.65% कार्बोहाइड्रेट है और 10% दोस्तों फाइबर है। कोदो, जिसमें 50% कार्बोहाइड्रेट है और 9% फाइबर है। ब्राउन टॉप कार्बोहाइड्रेट 69.37% है, फाइबर इसमें दोस्तों 12.5% है। सबसे ज़्यादा फाइबर जो है ब्राउन टॉप मिलेट में है। दूसरा मिलेट दोस्तों ब्राउन राड 65.50% है, इसमें 10% फाइबर है। निगेटिव अनाज, ये तो पॉजिटिव अनाज की बात हो गई, अब मैं निगेटिव अनाज की बात कर रहा हूँ। गेहूँ दोस्तों निगेटिव अनाज में आता, जैसा खादर बली, डॉक्टर खादर बली ने कहा है, ये निगेटिव अनाज है। इसमें 76.20% कार्बोहाइड्रेट है और 79% चावल में है। फाइबर की मात्रा इन दोनों अनाजों में कम है, गेहूं में 1.20% फाइबर है तो चावल में दोस्तों 0.20% फाइबर है। समझिए, कुछ फाइबर नहीं है। अब आइए बात करते हैं नॉर्मल अनाज पर। नॉर्मल अनाज में दोस्तों बाजरा है, ज्वार है, जौ है, मक्का है, चना है, ये सब नॉर्मल अनाज में आते हैं। इसमें मिला करके कार्बोहाइड्रेट तो उन्हीं पॉजिटिव अनाज के बराबर ही है, लेकिन फाइबर इसमें दोस्तों बहुत कम है। 1% से लेकर 2% के बीच में सारे अनाजों में फाइबर है। इसमें पॉजिटिव अनाज खाने से अगर कोई बीमार है, कोई बीमारी से ग्रस्त है, तो वह ठीक हो जाएगा। नॉर्मल अनाज खाने से उसे बीमारी तो नहीं ठीक होगी, लेकिन वो स्वस्थ रहेगा, बीमार कभी नहीं पड़ेगा नॉर्मल अनाज खाने से। निगेटिव अनाज खाने से दोस्तों बीमारी का शिकार होता रहेगा, यह डॉक्टर खादर बली का कहना है। उसी संदर्भ में मुझे ये कहना है कि हमारे प्रधानमंत्री जी मिलेट के बारे में बहुत ही जोर दे रहे हैं। मिलेट का उत्पादन किसानों को कह रहे हैं बढ़ाने के लिए, बहुत अच्छी बात है दोस्तों, सुनकर के बहुत प्रसन्न हुआ मन। यह फॉक्सटेल मिलेट देखिए आपके सामने जो है, इसको मैंने चेन्नई से ऑनलाइन मंगवाया था। अगर बहुत महंगा है दोस्तों, अगर यही अनाज हमारे किसान बड़े पैमाने पर यहाँ पैदा करेंगे तो स्वाभाविक है सबके थाली में यह अनाज ज़रूर जाएगा। और अगर ये अनाज आज
मनुष्य खाता है, मानव खाएगा, तो वो निश्चित ही स्वस्थ रहेगा। यह जो है समझिए कि वरदान है, ये मोटा अनाज जिसे जो है फॉक्सटेल मिलेट कहते हैं, दूसरे को जो है लिटिल मिलेट कहते हैं, कोदो मिलेट है, ब्राउन टॉप है, ब्रैनयार्ड है, ये जो है चार पांच मिलेट जो है ये पॉजिटिव हैं दोस्तों। इसको खाने से आज बीमार भी है तो ठीक हो जाएगा, कई बीमारियों को ठीक करता है ये अनाज। इसी के साथ दोस्तों मैं विस्तार से नहीं बता सकता क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी, आने वाले दूसरे वीडियो में मैं विस्तार से इस पर चर्चा करूंगा, इसको बनाने का तरीका, इसको खाने का तरीका, सारी बातें मैं दोस्तों बताऊंगा। आप मेरा वीडियो अगर पसंद आया है तो मेरे वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि जो है आने वाला वीडियो आपको पहले मिल जाए, आप पहले देख लें। दोस्तों वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।